हेलो स्टूडेंट, बीआर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनीनाथ, आज आपको एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले कार्बन साइकिल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। ये गैस क्या करती है कि ये गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजोल्व इन द एटमोस्फेरिक वाटर और प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, बाइकार्बोनेट बनाती है और प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गी कन्वर्ट दीज कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट इंटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सभी जो बाइकार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं प्लांट और बैक्टीरिया, एल्गी, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंटर इंटू फूड चेन एंड प्रोसेस थ्रू सेवरल हायर ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हो गए, फूड चेन में आ जाएंगे, खाद्य श्रृंखला में आ जाएंगे, फिर और उसके बाद में हायर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन, एनिमल, इन से ये पास होता है। दीज हायर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द ऑर्गेनिक कार्बन बैक इंटू द कार्बन थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। जैसे एनिमल में हो गया या ह्यूमन में आ गया तो ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, किसके द्वारा? रेस्पायरेशन, मतलब श्वसन के द्वारा। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आइदर बुरीड अंडरग्राउंड और सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द ओशियन फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स। अब बताता है कि लॉन्ग टर्म तक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रहती है, लॉन्ग टर्म तक कार्बन डाइऑक्साइड जीवित ऑर्गेनिज्म कैसे रहेगी, या तो वो बहुत नीचे दबा हुआ हो ऑर्गेनिज्म, या फिर जो महासागर के तल पर हो ऑर्गेनिज्म, या सेडिमेंटरी रॉक के रूप में जमा हुआ। वॉल्केनिक एक्टिविटी सेंडिमेंट मोर कॉमनली बोरिंग फॉसिल फ्यूल बर्निंग दीज स्टोरेड कार्बन बैक इनटू दीज कार्बन साइकिल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल टेक प्लेस एट वेरी स्लो फेस ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें कहा गया है कि ज्वालामुखी के फटने से या जो फ्यूल होता है जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल के रूप में चलता रहता है, ठीक है। और जो फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन होता है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। अभी कार्बन साइकिल को दो भागों में बांट सकते हैं अपन, एक होता है द बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल, एक दूसरा होता है द जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। दूसरा क्या होता है, द जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल के अंदर जैसे आपको बताया था कि बायोलॉजिकल है तो जैविक, जिसमें क्या करते हैं कि ऑटोट्रोफस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन को टेरेस्ट्रियल में स्थलीय, एक्वाटिक में जलीय। कार्बन इज टेकन बाय द ऑल ऑटोट्रोफस इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म थ्रू दिस कार्बन इंटर इनटू द फूड चेन एंड फूड वेव। मतलब ऑटोट्रोफस बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय हो, और फिर ये वापस किस में आ जाएगा, फूड चेन और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में आ जाएगा। फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ते हैं और कई जो लेते हैं, ठीक है। और कुछ ये जो आपको बताया था कि पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बाइकार्बोनेट को बना लेते हैं, जैसे प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ले लेते हैं, उसके बाद में ये वापस फूड चेन में आ जाएगा, फूड चेन के बाद में हायर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल ह्यूमन में जाएगा तो रेस्पिरेशन के थ्रू वापस ये एटमोसफेयर में चला जाएगा। तो ये सब की जो जैविक क्रिया होती है वो बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रो माइक्रोजियम प्लांट्स एनिमल इन सब का रहता है, ठीक है। इसके बारे में ये लिखा गया है, लिखा गया वेन द ऑर्गेनिज्म इज डाई एंड डीकोज ऑफ द डेड मेटल बिगेन डीकोज ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिलीज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता है कि जब ऑर्गेनिज्म मर भी जाता है, रेस्पिरेशन नहीं होता, ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन एनिमल कोई भी डाई हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी का क्या होता है, डिकम्पोजिशन से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कार्बन डाइऑक्साइड में जब ये टूटता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एटमोसफेयर के अंदर। एज पर एस्टिमेट एन एस्टिमेट 1,000 to 1,00,000 मेट्रिक टन ऑन ऑल कार्बन मूव थ्रू द बायोलॉजिकल साइकिल। एक साल के अंदर 1,000 से लेकर 1,00,000 मेट्रिक टन ऑल कार्बन मूव होता है इस
बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल के कारण। ठीक है, अब आता है जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। जैसे आपको पहले बताया था जियोलॉजिकल क्या होता है, जैसे फॉसिल फ्लू है, जीवाश्म ईंधन है, या महासागरों के तलछटी क्षेत्र में कोई जीव रहते हैं लंबे समय तक, या सेडिमेंट्स रॉक्स के अंदर कार्बन की उपस्थिति है, यानी लंबे समय तक बहुत अधिक टाइम तक कार्बन का रहना, वो जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल होता है। तो लिखा हुआ है द जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल इज रिलेटिव मच लॉन्गर देन द बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल, यूजली टेक मिलियन ऑफ ईयर कंप्लीट टू द जियोलॉजिकल पाथवे फॉर कार्बन, बहुत अधिक टाइम लगता है। कार्बन इज डिफरेंट फॉर्म सच ओशियन सेडिमेंट, सोइल रॉक्स, फॉसिल फ्लू रिमेन स्टोर्ड इन एटमोसफेयर फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम, अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ कि महासागरीय जमाव के रूप में रह सकते हैं, सोयल के रूप में नीचे जमे हुए हो सकते हैं, चट्टान के रूप में हो सकते हैं, या फॉसिल फ्यूल के रूप में हो सकते हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में होते हैं। दूसरी बात यह होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्रिया करके बाइकार्बोनेट बनता है, बायोकार्बोनेट भी बहुत लंबे समय तक रह सकता है जब तक कि वो बाइकार्बोनेट का यूज नहीं आ जाता। ठीक है, इसके बाद में इसमें बताया गया कि बाय कार्बोनेट कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम माइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल्स ऑफ मेराइन ऑर्गेनिज्म। अब कार्बोनेट जो बाई कार्बोनेट कार्बोनेट बना है, ठीक है, वो क्या होता है कैल्शियम के साथ आ जाएगा, सम कैल्शियम के साथ आने से ये क्या हो जाता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो क्या होता है मेजर कंपोनेंट होता है समुद्री जीवों की सेल्स का। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि ये जो नीचे जो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बाद में किससे बन सकता है, लाइमस्टोन में भी चेंज हो सकता है, जो कि लार्जेस्ट कार्बन रिवर्स अर्थ, लाइमस्टोन जो चूना होता है उसमें बहुत अधिक कार्बन होता है पृथ्वी पर। इसके अलावा ये कार्बन किसके रूप में रहता है, फॉसिल फ्यूल जैसे ऑयल है, कोयल है, नेचुरल गैस है, इसको जलाने से भी कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगी। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इनऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन समुद्री तलछटी में रहते हैं, जो बाद में इसमें साइकिल में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा, वोल्केनिक का मतलब होता है ज्वालामुखी फटने से भी बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः एटमोसफेयर में आ जाते हैं। और इसके अलावा आपको कार्बन साइकिल के एक डायग्राम दिखाएंगे, देखिए ये फिगर दी हुई है, ये बहुत सिंपल है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है सोइल के अंदर, सोइल एंड वाटर के अंदर, ठीक है, सोइल एंड वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, ये एटमोसफेयर ऑक्सीजन है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल को जलने से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमोसफेयर में जाएगी, प्लांट रिस्पायरेशन में ये जो दिया हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्लांट का यूज करते हैं, प्लांट से ये सब एनिमल में या माइक्रोब्स में जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मरने से या डिकम्पोज होने से ये वापस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी सोइल एंड वाटर के, या माइक्रोवेव ऑक्सीडेशन से वापस ऑक्सीडेशन से वापस एटमॉस्फेयर में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, माइक्रोवेव रिएक्शन से ये फॉसिल फ्यूल्स का जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है, जीवाश्म ईंधन से वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। तो इस प्रकार एटमॉस्फेयर से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चलते रहना कार्बन साइकिल होता है। धन्यवाद, आज का अपना टॉपिक यहाँ पूरा होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँचाया जा सके।